हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं टिकमन सुरेश चैनल। दोस्तों, विंटर टाइम में एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कुछ दोस्तों होता है ह्यूमन एरर के वजह से, कुछ होता है टेक्निकल एरर्स के वजह से, कुछ दोस्तों होता है वेदर कंडीशन के वजह से, और कुछ दोस्तों होता है मिस फॉर्च्यून की वजह से। हम वेदर कंडीशन और मिस फॉर्च्यून को नहीं रोक सकते, अगर हम चाहे तो ह्यूमन एरर्स और टेक्निकल एरर्स को कुछ मात्रा में कम कर सकते हैं। आज का वीडियो है दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर। आज मैं दोस्तों आपके साथ कुछ ड्राइविंग टिप्स शेयर करने वाला हूं। यदि आप उसको फॉलो करेंगे तो आप अपनी कमर्शियल गाड़ी को विंटर टाइम में ज्यादा सेफली चला पाएंगे। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। यदि आपको इसी तरह का गाड़ियों के रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। विंटर टाइम में हमारे देश में एक्सीडेंट होने का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, मगर दोस्तों हम चाहे तो जो ह्यूमन एरर्स है और जो कुछ टेक्निकल एरर्स है उसको चाहे तो दोस्तों हम कुछ मात्रा में कम कर सकते हैं। विंटर टाइम पर हमें दोस्तों कुछ ड्राइविंग टिप्स के बारे में जानने की जरूरत है। टिप्स पर जाने वाले होते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आप अपने विंडशील्ड और मिरर को जरूर साफ करें। विंडशील्ड और मिरर को साफ करने से आपको बहुत सारे दोस्तों बेनिफिट मिलता है, क्योंकि विंटर टाइम में विजिबिलिटी कम हो जाता है। यदि आपका विंडशील्ड साफ नहीं होगा तो सामने जो गाड़ी रहता है उसको आप सही से नहीं देख पाएंगे, और मिरर्स को यदि आप साफ नहीं करेंगे तो जब आप किसी गाड़ी को ओवरटेक करेंगे या फिर उसको पास करेंगे तब दोस्तों इसमें आपको बहुत सारी दिक्कत आएगी। इसलिए आप अपने ट्रिप को शुरू करने से पहले आप अपने विंडशील्ड और मिरर्स को सबसे पहले इसको साफ कीजिए, फिर आप अपने जर्नी को शुरू कीजिए। दूसरा दोस्तों ड्राइविंग टिप से, आप अपने गाड़ी को जितना हो सके केयरफुली चलाइए। सिर्फ दोस्तों आप यदि गाड़ी को सही से चलाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि एक्सीडेंट नहीं होगा। सामने जो गाड़ी जा रहा है या फिर आपके पीछे जो गाड़ी आ रहा है, यह भी दोस्तों सही से चलना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दोस्तों यदि वो दोनों सही से नहीं चलेंगे तो आप चाहे कितना भी अच्छे से ड्राइविंग क्यों ना कर ले, एक्सीडेंट होगा ही होगा, और आप चाहे तो दोस्तों इसको रोक सकते हैं। यदि आप इन दोनों गाड़ियों को लेके थोड़ा केयरफुल रहे या थोड़ा सही तरीके से ड्राइविंग करेंगे तो दोस्तों एक्सीडेंट होने का जो खतरा है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा। जैसे कि सामने जो गाड़ी जा रहा है या पीछे से जो गाड़ी आ रहा है, यदि आप उन दोनों को थोड़ा नोटिस करेंगे तो आप जान पाएंगे कि वो दोनों सही तरीके से चला रहे हैं कि नहीं। ये दोस्तों छोटे छोटे बातें होती हैं गाड़ी को सही तरीके से चलाने के लिए, क्योंकि विंटर टाइम में जो सबसे ज्यादा खतरा रहता है वो है दोस्तों विजिबिलिटी का। जब दोस्तों सामने से आ रहा गाड़ी या फिर आपके सामने जो गाड़ी जा रहा है यदि आप उसको नहीं दिख पाएंगे तो एक्सीडेंट होने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए दोस्तों गाड़ी को चलाते समय थोड़ा आपको केयरफुल होकर गाड़ी को चलाना जरूरी है। तीसरा दोस्तों टिप्स ये कि जब दोस्तों आप गाड़ी को चला रहे होते हैं तो ब्रेक का इस्तेमाल विंटर टाइम पर थोड़ा स्लोली कीजिए, क्योंकि विंटर टाइम में विजिबिलिटी कम रहता है। उसके साथ रोड के ऊपर ब्लॉकेज भी दोस्तों कई जगह पर रह जाता है। जैसे कि यदि आप हिल साइड रास्ते पर चला रहे हैं तो वहां पर विंटर टाइम में ब्लॉकेज बन जाता है। अगर इसमें जब दोस्तों आप इमरजेंसी ब्रेक यूज करेंगे तो आपका गाड़ी कंस्टेबल हो जाएगा। इस वजह से इस टाइम पर गाड़ी चाहे तो पलट भी सकता है और चाहे तो गाड़ी अम्बलेंस होके कहीं पर गिर भी सकता है। इसलिए आप विंटर टाइम पर ब्रेक को थोड़ा स्लोली यूज कीजिए। पर इस सेगमेंट में दोस्तों टाटा मोटर्स का टाटा अल्ट्रा T16 स्लीपर केबिन जो ट्रक है वो बहुत ही ज्यादा दोस्तों इस सिचुएशन के लिए सुइटेबल है, क्योंकि इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो आपको काफी कमाल का मिलता है, और विंटर टाइम में आप इसको लेके किसी भी रास्तों पर कंफर्टेबली चला सकते हैं। तो दोस्तों टिप्स से वेदर कंडीशन के बारे में जानना, सिर्फ दोस्तों गाड़ी के बारे में जानने से कुछ नहीं होता, वेदर रिपोर्ट के बारे में जानना भी काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है विंटर टाइम में, क्योंकि नॉर्थ इंडिया साइड में या फिर जहाँ पर ज्यादा हिल स्टेशन है वहां पर विंटर टाइम में रास्ता बंद हो जाता है, कहीं पर स्नोफॉल हो जाता है तो कहीं पर लैंडस्लाइड हो जाता है। इस वजह से यदि आप उस जगह पर जा रहे हैं अपना गाड़ी को लेके तो उस जगह का वेदर रिपोर्ट सबसे पहले आप जरूर देखिए, क्योंकि वेदर रिपोर्ट यदि आप देख लेंगे तो उस ट्रिप में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा।
यदि आप वीडियो रिपोर्ट दोस्तों नहीं देखेंगे तो हो सके जब आप वहां पर पहुंचने वाले होंगे तो वहां का मौसम बिगड़ गया होगा और वहां पर यदि स्नोफॉल हो गया होगा तो रास्ते बंद हो जाएंगे, तो दोस्तों आप उस जगह पर नहीं जा पाएंगे, जिस वजह से आपका ट्रिप भी डिले हो जाएगा और इस वजह से आपका जो मुनाफा है, जो प्रॉफिट है, वो भी दोस्तों कम हो जाएगा। आप जो सोचे होंगे जो मल्टीपल ट्रिप्स करने के लिए, वो भी दोस्तों आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप विंटर रिपोर्ट के बारे में भी जरूरी जानकारी रखिए किसी भी ट्रिप में जाने के लिए, क्योंकि विंटर टाइम में दोस्तों मौसम बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है और बहुत जगह पर आपको डिले देखने को मिलेगा, कहीं पर रोड जाम मिलेगा, कहीं पर दोस्तों ब्लॉकेज मिलेगा, तो कहीं पर स्नोफॉल के वजह से वो रोड कुछ दिन तक बंद हो जाएगा। यदि आपको दोस्तों मालूम होगा कि दिल्ली से लेकर जो ज्यादातर गाड़ियां नॉर्थ इंडिया के लिए जाते हैं या फिर ईस्ट इंडिया के लिए ट्रैवल करते हैं, तो स्नोफॉल की वजह से उन्हें बहुत दिन तक वहां पर वेट करना पड़ता है। इसलिए यदि आपके पास सही से वेदर रिपोर्ट होगा तो आप उस ट्रिप को कभी कम्फर्टेबली तरीके से कर पाएंगे। ट्रिप से दोस्तों ब्लैक आइस के बारे में जानेंगे। यदि आप हिल स्टेशन पर जा रहे हैं या फिर वहां जा रहे हैं जहां पर स्नोफॉल ज्यादा होता है, तो विंटर टाइम शुरू होने से पहले आप उसका वेदर रिपोर्ट जान लीजिए। फिर दोस्तों जब आप वहां पर पहुंच जाएंगे, ये लोकल लोग हैं, उनसे थोड़ा आप इंक्वायरी जरूर कीजिए कि रोड पर ब्लैक आइस है कि नहीं, क्योंकि ब्लैक आइस हमें सही से देखने को नहीं मिलेगा। वो स्नोफॉल जैसा नहीं होता कि हमें देखने को मिलेगा कि रास्ते के ऊपर इतना ज्यादा स्नोफॉल है, वैसा नहीं होता। ब्लैक आइस रोड के ऊपर एक पतला सा स्नो का लेयर बन जाता है, जिसे हम कहते हैं ब्लैक आइस। यदि आप ब्लैक आइस पर आप अपने कमर्शियल गाड़ी को लेकर जा रहे हैं और वहां पर यदि आपको इमरजेंसी ब्रेकिंग करना पड़ रहा है, तो वहां पर टायर फिसलने का खतरा बढ़ जाता है और गाड़ी अनबैलेंस भी हो जाता है। क्यों? वो दोस्तों हिल साइड एरिया होता है, इस वजह से यदि गाड़ी वहां पर अनस्टेबल हो गया, गाड़ी पहाड़ से नीचे आ जाने का भी दोस्तों खतरा रहता है। इसलिए आप ब्लैक आइस के बारे में भी सही से जानकारी रखिए और ट्रैवल करते समय आप ब्लैक आइस को भी थोड़ा जरूर देखिए। और यदि हो सके, यदि आपके पास वेदर रिपोर्ट है, तो ट्रिप से जाने से पहले स्नो चेन जरूर लेके जाइए। स्नो चेन दोस्तों आपको बहुत ही ज्यादा मदद करेगा ब्लैक आइस एरिया पर गाड़ी को कम्फर्टेबली चलाने के लिए, क्योंकि जब आप दोस्तों टायर में स्नो चेन लगा देंगे तो वो ब्लैक आइस को लेयर को वो दोस्तों काट देगा। इस वजह से आप ब्लैक आइस पर भी कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों टिप है कि किसी भी ट्रिप से जाने से पहले आप अपने कमर्शियल गाड़ी का खुद इंस्पेक्शन जरूर कीजिए। सभी दोस्तों चीजें जानने के बाद आता है खुद के गाड़ी के बारे में जानना। खुद के गाड़ी में सभी चीजें ठीक से है कि नहीं, सर्विसिंग टाइम पर हुआ है कि नहीं, टायर प्रेशर सही से है कि नहीं, ऑयल लीवर सही से है कि नहीं, ये सभी चीजें के बारे में दोस्तों आपको जानना पड़ेगा। इन सभी चीजों को पहले आपको इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, फिर दोस्तों आप किसी ट्रिप पर निकले, क्योंकि यदि आप सही से इंस्पेक्शन नहीं करेंगे तब दोस्तों ट्रिप पर आपको बहुत सारे दिक्कत होगा। इसलिए दोस्तों टाटा मोटर्स की तरफ से आपको मिलता है टाटा मोटर्स का फ्री चेंज एप्लीकेशन, जो कि दोस्तों गाड़ी का सर्विसिंग को लेके गाड़ी का हर छोटे मोटे सर्विस डिटेल्स आपको प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से आप किसी भी ट्रिप पर कंफर्टेबली और बेफिक्र होकर दोस्तों जा सकते हैं। और दोस्तों जो नेक्स्ट टिप्स है, जो कि है आखिरी टिप्स, वो दोस्तों मेंटेनेंस सेफ डिस्टेंस। किसी भी गाड़ी को लेकर जब आप दोस्तों जा रहे होंगे, चाहे आप विंटर टाइम में जाइए या फिर आप नॉर्मल टाइम पर जाइए, हमेशा से दोस्तों आप एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। जब दोस्तों आप सेफ डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेंगे तो दोस्तों आप हमेशा से आपको दिक्कत ही होगा। विंटर टाइम पर दोस्तों ये दिक्कत काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि दोस्तों विंटर टाइम पर विजिबिलिटी कम हो जाता है और काफी जगह पर कोहरा रहता है, कुछ जगह पर दोस्तों कोहरा बहुत लेट से जाता है, उस वजह से आपको देखने में काफी दिक्कत होगा। आपके सामने जो गाड़ी जा रहा है या फिर आपके सामने जो गाड़ी आ रहा है, यदि दोनों का बीच में सही डिस्टेंस नहीं होगा, मान लीजिए कुछ इमरजेंसी आ जाता है और आपको इमरजेंसी ब्रेक यूज करना पड़ता है, जब आप दोनों के बीच में दोस्तों डिस्टेंस सही से नहीं होगा तब दोस्तों आप इमरजेंसी ब्रेक भी यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा और इस वजह से एक्सीडेंट होने का खतरा आपको दोस्तों बढ़ जाएगा। अगर यदि दोनों गाड़ियों के बीच में इनफ डिस्टेंस है तो दोस्तों आप चाहे तो उसमें इमरजेंसी ब्रेक भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको थोड़ा ज्यादा टाइम मिल जाएगा इमरजेंसी ब्रेक यूज करने के लिए। इसलिए यदि आप विंटर टाइम पर डिस्टेंस सही से मेंटेन करते हैं सामने से जा रही गाड़ी को लेके, तो दोस्तों आपका जो एक्सीडेंट होने का खतरा है वो दोस्तों कम हो जाता है। और विंटर टाइम पर आप
काफी आसानी से रिमूव कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपके साथ कुछ टिप्स शेयर किया है विंडो टाइम पर गाड़ी को सही से रनिंग करने के लिए, जैसे कि दोस्तों गाड़ी का विंडशील्ड मिरर को क्लीन रखना, सही से गाड़ी को ड्राइविंग करना, ब्रेक को स्लोली यूज करना, वेदर रिपोर्ट के बारे में जानना, आरआईएस के बारे में जानना, कमर्शियल गाड़ी का इंस्पेक्शन करना और दोनों गाड़ी के बीच में एक सही डिस्टेंस मेंटेन करना। आप दोस्तों इन 7 टिप्स को दोस्तों विंडो टाइम पर फॉलो करेंगे तो आप ज्यादा कंफर्टेबली विंडो टाइम पर अपनी कमर्शियल गाड़ी को चला पाएंगे। वीडियो में दोस्तों इतना ही। यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो फिर वीडियो को आप लाइक करने साथ शेयर भी जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आप किस तरीके का देखना चाहते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।